हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काई वे लर्निंग हब पे। तो आज हम मैट्रिक स्पेस का जो क्लास है, क्लास नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंदर हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी रिमेनिंग क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप हमारी रिमेनिंग सारी वीडियोज़ को वन बाई वन वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर थ्योरम बेसिकली क्या बोल रही है, एक्स डी हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस दे रखा है, तो हमको प्रूव क्या करना है, डी एक्स कॉम बाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी जेड बाई, ठीक। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, हमको गिवन में सबसे पहले जो दे रखा है वो लेकर के चलेंगे। हमको क्या दे रखा है, एक्स डी एक हमारे पास मैट्रिक स्पेस है, तो गिवन दैट एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस, अगर ये मैट्रिक स्पेस है तो ये मैट्रिक स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है हमारे पास इनइक्वालिटी की, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो डी एक्स कॉमा बाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी डी फोर प्रॉपर्टी से यहाँ पर होल्ड करेगी। फिर यहाँ पर अगर जेड वाई को हम कन्वर्ट करना चाहें सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, तो डी जेड वाई इक्वल टू डी बाई जेड लिख देंगे, ठीक है। तो ये डी थ्री प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया ये कैसे हम यहाँ पर डी फोर डी थ्री का यूज करते हैं। नाउ वी कैन आल्सो राइट, ठीक, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर डी एक्स वाई की जगह डी एक्स जेड के लिए अगर इसी इनइक्वालिटी को होल्ड कराएं तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डी ऑफ इस बार एक्स वाई हो जाएगा प्लस डी ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास बाई जेड फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स बाई कौन सी प्रॉपर्टी है ये डी फोर, ठीक। वहीं पर डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई अगर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करें तो बाई जेड को फिर से जेड वाई लिख सकते हैं हम, तो ये डी जेड वाई हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, ये किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, डी थ्री प्रॉपर्टी का, ठीक। अब हमको वैल्यू चाहिए किसकी, डी ऑफ एक्स बाई की वैल्यू चाहिए, तो इट इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स बाई ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और ये वाला डी जेड वाई एल एच एस में पहुंच जाएगा, तो डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड कॉमा बाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, ठीक। अब हम इस डी जेड वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखिए नाउ डी जेड कॉमा बाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ जेड कॉमा एक्स प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा बाई, ठीक है। तो डी ऑफ जेड एक्स लिख सकते हैं प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा बाई, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब जेड एक्स में हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्योंकि एक्स वाई तो हमको चाहिए, तो इसमें तो कोई चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। ये किस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, बाई डी फोर, तो डी जेड कॉमा बाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड इसको लिख सकते हैं प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा बाई, यहाँ पे किस प्रॉपर्टी का यूज किया, बाई डी थ्री का, ठीक। इट इम्प्लाइज हमको वैल्यू चाहिए फाइनली डी एक्स कॉमा बाई की, यहाँ से निकाल लेंगे तो डी एक्स कॉमा बाई, ठीक। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये डी एक्स जेड हमारा एल एच एस में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू डी ऑफ जेड कॉमा बाई माइनस डी ऑफ एक्स कॉमा जेड, ठीक। यहाँ पे देखिए डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई आ रहा था, यहाँ पे डी जेड वाई माइनस डी एक्स जेड आ रहा, तो हम क्या करेंगे, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। माइनस से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस वन से, तो यही इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, डी ऑफ एक्स कॉमा बाई, ठीक है। या फिर माइनस से मत मल्टीप्लाई कराइए, माइनस साइन ही यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस साइन को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बचा डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड कॉमा बाई, ठीक। ये आ रहा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, इसको मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो फाइनली हमारे पास डी एक्स वाई की कितनी इक्वेशंस आ रही हैं, दो इक्वेशन आ रही हैं,
सो सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी ऑफ एक्स कॉमा बाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी ऑफ जेड कॉमा बाई। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू। तो वन और टू, तो ये कह रहा है एक बार डी एक्स वाई जेड की वैल्यू इसके ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही है डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, सेकेंड में निकाल रहे हैं कि माइनस से भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ रही है। तो फाइनली जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो डी एक्स कॉमा बाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस साइन ले लेंगे, ठीक है, मॉड ऑफ ये हो जाएगा डी एक्स कॉमा जेड माइनस डी ऑफ जेड कॉमा बाई। ठीक है, और यहाँ पर मॉड क्लोज कर देंगे, फिर फाइनली लिख देंगे हम यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए बेसिकली 9 क्वेश्चन तो हो चुके थे, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए था, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9, आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द मैपिंग डी आर क्रॉस आर टू आर डिफाइंड बाई डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ स्यूडोमेट्रिक ऑन आर। अब हमको ये स्यूडोमेट्रिक यहाँ पर प्रूव करना है। तो स्यूडोमेट्रिक में सिंपल है, सेकंड प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई कराती है, मतलब पार्शियल सेटिस्फाई कराती है, पूरी नहीं सेटिस्फाई कराती है, बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं। पार्शियल का मतलब है यहाँ पर कि डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू जीरो के लिए एक्स इज इक्वल टू बाई के लिए भी इक्वल ये होता है एक्स, और एक्स नॉट इक्वल टू बाई के लिए भी होल्ड करता है। ठीक है, लेकिन अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक में केवल और केवल एक्स इज इक्वल टू बाई ही होना चाहिए, बट इस केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको स्यूडोमेट्रिक भी बोलते हैं या फिर इसको सेमी मेट्रिक स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रूफ देखेंगे हम यहाँ पर। गिवन दैट d of x comma y is equal to mod of x square minus y square। ठीक, अब d1 फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे। हमको पता मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिखा हो वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, mod of x square minus y square ये हमेशा क्या होगा, greater than equal to zero होगा। it implies d of x comma y भी हमेशा greater than equal to zero होगा for all x by belongs to capital R। यहाँ पर सेट इस बार x क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाइए, D2 ही हमारी मेन प्रॉपर्टी होती है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, यही स्यूडोमेट्रिक को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे लेट x square minus y square is equal to zero। ठीक है, दैट इज d ऑफ एक्स वाई हमने क्या लिया है, जीरो के इक्वल लिया है। ठीक है, इट इम्प्लाइज इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई और x प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक बार इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई और x नॉट इक्वल टू वाई। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ पर दो हो रही है प्लस माइनस वाई। ठीक है, सो इफ डी एक्स कॉमा बाई अगर हम जीरो लेकर के चल रहे हैं, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू बाई। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बाई और एक्स नॉट इक्वल टू बाई, सो दस वी कैन से दैट दस वी कैन से दैट इट इज नॉट नेसेसरली, ये हमेशा नेसेसरी नहीं है, दैट फॉर अगर हम डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो लें देन वी ऑलवेज गेट एक्स इज इक्वल टू बाय। ठीक है, देन या फिर इफ़ लिख लीजिए, इफ़
एंड इफ एंड ओनली इफ वी ऑलवेज गेट x इक्वल टू y. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो लेते हैं तो हमेशा हमारे पास x इक्वल टू y ही है, x इक्वल टू नॉट x नॉट इक्वल टू y भी आ सकता है. हेंस तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी होगी, लास्ट में हेंस लिखेंगे. अभी रिमेनिंग टू प्रॉपर्टीज भी जब सेटिस्फाई कर जाएंगी तब इसको मेट्रिक स्पेस बोलेंगे, स्यूडोमेट्रिक स्पेस, ठीक है, अभी नहीं बोलेंगे. तो थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, डी एक्स कमा बाई हमने लिया है, ये आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के इक्वल. इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो मॉड बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी डी ऑफ बाई एक्स के इक्वल, ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई. अब डी फोर पे आ जाओ, तो डी एक्स कॉमा बाई लेस देन इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू लेकर के चलिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर. इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ए प्लस मॉड बी. तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी जेड स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड बाई, ठीक है. तो ये चारों इन यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं. दस डी एक्स कॉमा वाई इज स्यूडोमेट्रिक, स्यूडो मेट्रिक ऑन आर एंड हैंस एक्स डी हमारे पास क्या हो जाएगा, इज स्यूडोमेट्रिक स्पेस, स्यूडो मेट्रिक स्पेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्यूडोमेट्रिक स्पेस हो जाएगा. तो बस सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती, बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है. तो इस तरीके से इसको स्यूडोमेट्रिक स्पेस हमने यहाँ पर प्रूव किया है, ठीक है. एक और क्वेश्चन करते हैं, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. तो एक्स की जगह कौन सा सेट है, इस बार आर है, और डी की वैल्यू दे रखी है मॉड एक्स माइनस वन प्लस अपॉन वन प्लस मॉड एक्स माइनस सॉरी मॉड एक्स माइनस बाई अपॉन वन प्लस मॉड एक्स माइनस बाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर. प्रूव दैट डी इज मेट्रिक ऑन आर, ठीक है. सिंपली आर डी को हमको प्रूव करना है मेट्रिक स्पेस. तो कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव गिवन दैट हमारे पास क्या दे रखा है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बाई अपॉन वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ठीक. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाओ, डी वन हमको पता है, वी नो दैट, क्या पता है कि मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है. इट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, मॉड एक्स माइनस बाई ये तो पॉजिटिव है ही, तो वन प्लस कुछ भी पॉजिटिव नंबर लिखें वो भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव सिंपली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बनाएगा, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक. तो इट इम्प्लाइज, और ये किसके इक्वल है, डी एक्स वाई के इक्वल, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर आर. सेकेंड प्रॉपर्टी डी टू पे आ जाओ, तो डी ऑफ x कॉमा बाई इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज मॉड x माइनस बाई अपॉन वन प्लस एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x माइनस बाई इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई, ठीक. कन्वर्सली इसका कन्वर्स देख लीजिए, कन्वर्सली इफ अगर हम x इज इक्वल टू वाई लेते हैं, इट इम्प्लाइज x माइनस बाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x माइनस बाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इट इम्प्लाइज मॉड ऑफ x माइनस बाई की तो वैल्यू जीरो है ही, तो जीरो अपॉन समथिंग करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा,
और ये वैल्यू किसके इक्वल है, डी एक्स वाई के इक्वल, तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर ये लेकर के चल रहे हैं तो एक्स इजिकल टू वाई आ रहा है, एक्स इजिकल टू वाई पे डी एक्स वाई की वैल्यू जीरो आ रही है। इट इम्प्लाइज डी एक्स वाई जीरो के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इजिकल टू वाई हो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, डी थ्री। डी थ्री में हम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई को लेकर के चलेंगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। फिर हमने आपको बता रखा है मॉड के अंदर साइन चेंज कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, वन प्लस बाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा डी ऑफ बाई एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी होल्ड कर गई, इट इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू डी ऑफ बाई कॉमा एक्स, ठीक। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ, डी फोर। तो डी फोर में हम क्या लेकर के चलेंगे, डी एक्स बाई इज इक्वल टू, तो मॉड एक्स माइनस बाई अपॉन वन प्लस मॉड एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू, ठीक। इसको हम ब्रेक करेंगे तो मॉड ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस बाई अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास, वन प्लस मॉड एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस बाई, ठीक है। एक्स माइनस जेड को आप यू मान लो, जेड माइनस बाई को वी मान लो, तो ये मॉड यू प्लस बी लिखा है अपॉन वन प्लस मॉड यू प्लस बी, तो इसको कैसे लिखेंगे, मॉड यू अपॉन वन प्लस मॉड यू, तो मॉड यू की वैल्यू एक्स माइनस जेड लेस देन इक्वल टू हो जाता है डिनोमिनेटर में वन प्लस, ये हो जाएगा एक्स माइनस जेड प्लस फिर वी हो जाता है मॉड बी, तो वी की जगह जेड माइनस वाई आ जाएगा, तो मॉड जेड माइनस वाई अपॉन वन प्लस मॉड बी, तो वन प्लस मॉड जेड माइनस वाई, और ये वैल्यू किसके इक्वल है आपको पता है, डी ऑफ एक्स, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड प्लस इसको लिख सकते हैं डी ऑफ जेड बाई, ठीक है। तो देखिए ये इनइक्वालिटी भी होल्ड कर गई है आपके पास, डी ऑफ एक्स कॉमा बाई इट इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स कॉमा बाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड बाई, हैंस लास्ट में क्या लिखेंगे आप, हैंस डी एक्स कॉमा बाई इज मेट्रिक, क्या है ये, मेट्रिक ऑन आर, ठीक है। तो काफ़ी इजी ये प्रूफ था, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना चाहूँगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, देखिए एक क्वेश्चन है ये आपके पास, प्रूव दैट द फंक्शन डी आर टू क्रॉस आर टू से लेकर के आर पे ये फंक्शन डिफाइंड है मैपिंग, ठीक है। तो डी एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है मैक्सिमम ऑफ मॉडलस एक्स वन माइनस बाई वन, सिंपली ये एक्स लिखा है ये बाई लिखा है, ठीक है। तो मॉड एक्स कॉमा मॉड बाई लिखा है, इसमें कोई एक मैक्सिमम होगा, वेयर एक्स की वैल्यू दे रखी है बाई की वैल्यू आपके पास दे रखी है, प्रूव करना मेट्रिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है आपका ये यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेट्रिक स्पेस बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराएं बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस यूनिट के अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ा है, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेट्रिक स्पेस पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ी हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आपको ये यूनिट पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेलिस्ट का लिंक जरूर शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कंबाइंड सारे वीडियोज का लिंक और सारे वीडियोज आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मैं आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।